टेम्परेचर -16 है इस टाइम। और एक चीज बोलूंगा ना कसम से, कितना टेंशन हुआ मुझे, लेकिन एक चीज है ना, यहाँ के ना सब टेंशन भूल जाते हैं जो यहाँ के हमारी वजह से तेरी वजह से नहीं, रोड्स की वजह से। रोड्स जो कितने अच्छे। इरा मेघ और देखो ऑपरेशन सफेद सागर, इन्होंने ये लीड करा था ये ऑपरेशन। अब आप देखो क्या जबरदस्त है ये रहा कुछ इसका नीचे वाला हिस्सा यहाँ से, और कैबिन का दिखाता हूँ आपको थोड़ा बहुत ऊपर से। वो रहा कैबिन, सीट इसकी देख सकते हो आप, कैबिन तो छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और सामने का ये दिखाता हूँ आपको, ये कितना मजबूत है इसका यार, ऊपर से तो ये पूरे का पूरा लोहे का ही होगा। देखो इसके अंदर से कितनी गैप है, देखो टायर इसके कैसे, वैसे पता नहीं है मुझे ओरिजिनल है या नकली है, वैसे सुनने में ऐसा है ओरिजिनल ही है। ट्रॉफीज देखने जा रहे, कारगिल वॉर मेमोरियल के बारे में इन्होंने काफी ज्यादा भूल दिया, कितने ऑफिसर जहाँ पे शहीद हो गए, तो अभी हम ट्रॉफीज देखने जा रहे हैं। मैं YouTube पे वीडियो डालता हूँ। युद्ध में भारतीय वायुसेना द्वारा सफेद सागर नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसमें हमारे स्क्वाडन लीडर अजय औजा साहब जिन्होंने MiG-21 फ्लाई किया था, वो दुर्घटनावश पाकिस्तान के जमीन में उसका क्रैश हो गया। ठीक, तो उसी के याद में उनके ही बटालियन 17 स्क्वाडन द्वारा एक MiG-21 को यहाँ पे लेके रखा गया। ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, बाद में देखना, पहले चलना अच्छे से। चल पहले हमने गाड़ी भी पार्क कर ली और गेस्ट हाउस भी अपने लिए लिया जिसका नाम है द्रास गेस्ट हाउस। रूम काफी ज्यादा अच्छा है, दिखाता हूँ आपको कैसा रूम है अभी। फाइनली ये बेड हमारा, ये देखो ये बेड मैंने इनको दिया और ये बेड हमारा। शाम के 5:24 हो रहे और हम इस टाइम द्रास में घूम रहे हैं जो कि सेकंड इनहैबिटेड कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड है। वर्ल्ड ही है ना, एशिया, अब जो है आप समझ गए होगे मतलब की बात। और ठंड यार पूछो मत, -1 डिग्री हो गया है वहां पे टेम्परेचर, मतलब है इतनी ज्यादा है कि पूछो मत, डिफाइन नहीं कर सकता हूँ मैं, सबको ठंड लग गई। बस इस टाइम में प्लान बना थोड़ा बाहर घूमने जाने का, खाने पीने का, देखेंगे आप क्या करेंगे। और रूम भी लिया हमने, रूम में बैठ के तो कुछ हम ज्यादा कर नहीं सकते थे तो हमने डिसाइड कर लिया, अब रूम में भी ठंड अच्छी खासी है तो अब हमने डिसाइड किया अब हम बाहर निकलेंगे और आप थोड़ा व्यू एंजॉय कर लो अब आगे का। देखो व्यू क्या शाम का इस टाइम जबरदस्त होता है। हम आए थे ऐसे यहाँ से थोड़ी देर के लिए कुछ व्यू के लिए, तो हमें लगा यहाँ से रास्ता भी है लेकिन यहाँ से रास्ता नहीं, यहाँ से डेड एंड है आगे, तो अभी हम नीचे जा रहे हैं वापस। लेकिन यहाँ से जो व्यू देखने को मिल रहा है वो तो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का है, नॉर्मल रोड पे तो ये देखने के लिए नहीं मिल रहा है। देखो आप गाड़ी में कैसा लग रहा है इस टाइम, हमें गाड़ी की भी लाइटिंग अच्छी काफ़ी ज़्यादा है, अभी हमने खाली फॉग लाइट्स ऑन कर दिए गाड़ी की। और रोड देखो, हमें जाना है यहाँ से, आए थे हम वहाँ से, अभी चलेंगे आगे की ओर। 6 बजे तक हमारे श्रीनगर एरिया में अंधेरा तो हो ही जाता था, यहाँ तो अभी 5:30 बज गए और हल्का हल्का अंधेरा होने लगा। वो जो बर्फ है ना यार, ये तो व्यू ना इतना एनहांस कर लेती है, बहुत जबरदस्त व्यू आता है इसका। और देखो ये बोर्ड, डिस्टेंस बोर्ड, पता नहीं शायद से यही कहते हैं इसको, अगर नहीं भी होगा तो, लेकिन मैंने कह दिया। वहाँ पे दो दो स्पीड ब्रेकर्स है और हाइट देखो आप क्या है, बहुत ज़्यादा हाइट है हमारे यहाँ से, बहुत ज़्यादा, इवन की साइड से भी हमारे। अब थोड़ा बहुत घूमते हैं और मून देखो आप क्या चमक रही है यहाँ से, कितनी ज़बरदस्त लग रही है, तो समझो कि यहाँ कोहरा तो लगने वाला है। और इस टाइम -4 है देखो, इस टाइम -6 हो गया, फिर से एक बढ़ गया, अभी -5 था तो -6 हो गया। हाथ जो ही बाहर निकालते हैं ऐसा लगता है हाथ पे कोई फ्रीज्ड वाटर ना, मतलब वो ठंडा पानी फेंकता है, वेरी कोल्ड ब्रीज। और आप व्यू देखो क्या जबरदस्त है हमारे साइड में। यप करगिल,
6:30 और मेरे से में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, तो इस टाइम चाय पीने का प्लान बना, चाय समोसा गर्म गर्म चाय पियेंगे और मैं दवाई भी ले ली पैरासिटामोल एक। पता नहीं ठंड से सिर दर्द है, किस वजह से थकावट से है, तो चाय पियेंगे रिलैक्स। टेम्परेचर माइनस में है लेकिन पता नहीं कितना है। और देखो हमारा गेस्ट रूम कैसा है। नहीं तेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं, इनाम क्या दी। अभी चढ़ते हैं ऊपर रूम में चलते हैं और देखो पानी कितना ज़्यादा साफ है। इसमें पत्थर है छोटी छोटी लेकिन बहुत ज़्यादा साफ है। चढ़ते हैं रूम में, उठते हैं फ्रेश, थोड़ा करते हैं आराम और मिलते हैं कुछ देर। शाम के बज रहे 8:09 और कोहरा देखो अब क्या है। इस पर अगर ब्रेक मारेंगे, यहाँ पर अगर ब्रेक मारेंगे वहाँ लगेगी। तो और हमने इस टाइम बिरयानी ऑर्डर की, वो हम साथ में रूम में ही ले जाएंगे। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, ये देखो अपने आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और ये जैकेट्स भी फेल हो रहे हैं। अब जल्दी जल्दी रूम में चलते, खाते पीते हुए तो। और नींद देखो अब क्या मेरी आँखें। पीने की तैयारी हो गई, ये रही हमारी बिरयानी है जो हम खाएंगे। बंद हो गया क्यों? मैंने 16 हो रखा है इस टाइम और मैं इस टाइम जा रहा हूँ गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो डीजल है, वही देखना है कि वो स्टार्ट होएगी या फिर थोड़ा टाइम लेगी, वही देखते हैं। वैसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपको दिख रहे हैं, ये जम चुकी है पूरी गाड़ी, लेकिन ये जो है पानी था पूरी रात फ्लो कर रहा था तो इस वजह से जम नहीं पाया, क्योंकि जो फ्लोइंग वाटर होता है वो जमता नहीं है। ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है, देखते हैं अब करेंगे गाड़ी को स्टार्ट। अरे यार ये देख रहे हो क्या जम गए। ओ यार ठंड है क्या है। गाड़ी तो -9 दिखा रही है इस टाइम टेम्परेचर बाहर का, लेकिन है तो भाई 16, -16 डिग्री है बाहर से, फ्रीजिंग कंडीशंस है बहुत ज़्यादा। इसको मैं इसलिए ऑन ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक कॉइल होती है, इसको वेट करना होता है बंद होने के लिए। ये देखते हैं 1 मिनट बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओ नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। एक ही स्टार्ट सेल्फ में स्टार्ट हो गई, तो ठंडी बहुत ज़्यादा है, ये फ्रीजिंग कंडीशन है। अगर इंसान रात के लिए बाहर ठहरा ना तो जो गया वो मर गया पक्का, मतलब कंफर्म डेथ है उसकी अगर वो पूरी रात ऐसे बाहर को ठहरा। -16 का कमाल, माउंटेन ड्यू का कतरा बचा था तो ये सारा फ्रीज हो चुका है। बज रहे 8:30 और इस टाइम हो गया चेकआउट करने का टाइम। ये बेड था मेरा और इस पे 3 बंदे सोए थे, और इस टाइम गर्मी चल रही है थोड़ी बहुत, इसके सहारे हम पूरी रात रहे। अगर ये नहीं होता तो हम तो पूरे मर गए होते सुबह तक। उस टाइम पे -16 था यहाँ पे, इस वजह से जो ये हीटर है इसने हमें सर्वाइव करने का मौका दिया। हमारी स्पीड देखो आप -24, लेकिन ये एक्चुअल दिखा रहा है इस पर, ये यहाँ की स्पीड दिखाता है इस पर कि ड्राइवर ने क्या स्पीड रखी है गाड़ी की। पता नहीं इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है कुछ या नहीं हो सकता है, लेकिन ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। साइड से माउंटेन, यहाँ से नदी बहती हुई, कितना प्यारा लग रहा है। सो नाइस मैन, पानी कैसे चल रहा है। इस टाइम बोले तो बिल्कुल -13। ये जो सड़क आप देख रहे हो ना, इस पे सारे को मतलब आइस लगा पड़ा है, अब ये पूरा जम चुका है, बर्फ बहुत पुरानी है और ये अब जम चुका है, लेकिन बहुत रिस्की है, गाड़ी में पता नहीं चल रहा है। अभी मैं नीचे उतरा था तब मेरे को पता लग गया। हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अब करके 10:30 हो रहे, अब ब्रेकफास्ट होगा। इतना ही था सोनमर्ग के लिए, तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।